અમારે પાસે દેખાય ગયા હમણાં હા ઉચકવા આવજે બંને સાઈડ થી એટલે કોઈ આગળ બી જમકી જાય પાણી અવાય ને કોઈ અવાય નહીં વચ્ચે જગ્યા મેડમ જો સોરી એક યહાં પર નહીં ડે 50 રૂપિયા માં કીધું ને ગાઈડ તો લઈ લેવાનો છોટો આજ કિલો બદલ હોય છે સર કોઈ ગાઈડ છે કે આપણું નહીં મેં તો 275 લિખે તો 275 હી બોલું સર ભાઈ વહાં પે અભી ફોટો ક્યાં દેંગે 250 ખાલી 50 તીન યર ટિકિટ હેલો ચા કેસે હો બઢિયા આઉટ હશે પેલું બિલ્ડિંગો બનાય યે જો બિલ્ડિંગ આપ લોગ દેખને જા રહે હૈ યે આગ્રા ફોર્ટ કે નામ સે ફેમસ હૈ બિલકુલ સર ये आगरा फोर्ट जो है पूरे 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है 1.5 लेकिन यहाँ पर जब आप लोग विजिट करेंगे तो 20% सिर्फ 20% क्योंकि रिमेनिंग 80% जो है वो मिलिट्री के कंट्रोल में वहाँ हमको जाना अलाउड नहीं है ठीक है वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे इस दीवार के पीछे आज भी आदमी है आदमी का बेस बना हुआ है कंटेनमेंट एरिया वहाँ पर है आज उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर हुई आर्मी की अच्छा उनका गेट भी अलग से है जिस गेट से आप लोग एंटर हुए उनका इस गेट से आना जाना नहीं उसका पीछे वाला एक दिल्ली गेट है उसके पीछे बैक साइड में बना तो उन लोगों का आना जाना दिल्ली गेट से तो इस आगरा फोर्ट को जो बनवाना चालू किया मुगल एम्परर अकबर ने 1565 से लेके 1573 तक 1565 से लेके 1573 तक तो उसको बनवाया मुगल एम्परर अकबर ने अकबर के बाद 3 मुगल एम्परर और रहे अकबर के बाद जहांगीर शाहजहाँ औरंगजेब पूरा किला बनने में समय लगा 95 साल क्योंकि अकबर के बाद जनरेशन बीतती गई जहाँ सब बनाते गए शाहजहाँ मतलब जो भी जनरेशन बैठती गई वो बनाते गए और टाइम लेते गए टाइम लेते तो 30,000 मजदूरों ने उस टाइम पे काम किया 30,000 मजदूर और उस टाइम पे सागरा फोर्ट को बनवाने के लिए पूरा 35 लाख सोने की मोहरें खर्च हुई थी 35 लाख सोने की मोहर 480 साल पहले ठीक जिस गेट से आप लोग एंटर हुए पहला ये वाला हाँ पहला पहला गेट वो वाला जहाँ से आपके टिकट थे हाँ हाँ
पहले गेट को कहा जाता था अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर जो था उस टाइम पर राजस्थान का किंग था, किंग था, शाहजहाँ के कोर्ट में कमांडिंग ऑफिसर का काम करा था, उसके नाम पर वो गेट बना। दूसरा गेट आपने पार किया, दूसरे गेट को कहा जाता है नौबत खाना, मतलब म्यूजिक था, ठीक। तीसरा गेट आपने पार किया, ये वाला तीसरे गेट को कहा जाता है अकबरी गेट, अकबरी, ठीक। ये जो स्लोप बना हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक का स्लोप जो है 45 मीटर का स्लोप बना हुआ है भाई, 45 मीटर। उस टाइम भी कहता अगर तीन गेट क्रॉस करने के बाद अगर दुश्मन किसी भी तरीके से अंदर आ जाता, अंदर आ जाता, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते, लकड़ी के गुद्दे वो लुढ़का दिया करते थे। आप अगर से ऊपर से इतना सा भी पत्थर फेंकोगे तो 100 की फुट आएगा, तो वो पत्थर लुढ़का दिया करते थे, तो अंदर आने के रास्ते सारे बंद हो जाते। कोई ये चाहता था मैं दीवार के सारे से अंदर चिपक के चलूंगा, ऊपर की जो नालियाँ जो बनी हुई है भाई, इन नालियों में से गर्म तेल गर्म पानी डाल दिया करते, ये नालियाँ, हाँ हाँ ये देख लिए, ये वाली नालियाँ, गर्म तेल गर्म पानी डाल दिया वो ऊपर वाले बॉर्डर पे, हाँ बॉर्डर, बॉर्डर पे, मतलब आदमी चल के खाक हो जाए, खाक हो जाए। ये देखिए ये जो बने हुए हैं ये उनके अस्तबल हुआ करते थे, अस्तबल यहाँ पे, हाँ ये सब, ये नीचे जाओ, ये नीचे नीचे, ये भी अस्तबल थे, लेकिन आज इन लोगों ने इसको ऑफिस बना दिया। और ये सब सैनिक सैनिक रहते थे, रहने के लिए या रहने की भी जगह थी, और रूलिंग पावर भी, रूलिंग पावर था। चलाओ चलो, क्या नाम है भाई आपका? अभी भी खाम तो खेर रहा भी खबर पड़ जाए नहीं हाँ अरे पूरा दिलों को ना कहीं डॉलर में जावा ना, डॉलर वाला ले लो ना कहीं नहीं देखिए मैंने आपको बताया कि 80% जो था वो आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ पर जाना है आप। 10,000 आर्मी की फौज हुआ करती थी, 10,000 तो उनके रहने के लिए वो जगह बना रही थी, ठीक है। हम लोग यहाँ से अंदर आए और इस गेट से हम लोग बाहर निकलेंगे, हाँ जी, तो हम लोग सागरा फोर्ट का पूरा काम, हाँ जी। ये पहला बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, हाँ, इसको कहा जाता था जहांगीरी महल, जहांगीरी महल, और इस महल को बनवाया था मुगल एम्परर अकबर ने, अकबर ने, अपने लड़के जहांगीर, जहांगीर के लिए। लेकिन अकबर ने इस महल को थ्री वेज में बनाया था, ये जो स्टार जो देख रहे हैं आप लोग सामने, 1, 2, 3 स्टार जो सिंबल है क्रिश्चियन आर्ट का, खिड़कियों के नीचे ये लोटस फ्लावर बना हुआ है, तो लोटस फ्लावर सिंबल है हिंदू आर्ट, हिंदू। जितना भी आर्चेज मेहराबे जो बनी हुई है ये मेहराबे सिंबल है मुस्लिम मुस्लिम के। अकबर ने एक रिलीजन और पब्लिश किया था दीन दीवाने इलाही, ये सारे रिलीजन जो है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसके अंदर में एक महल और बना हुआ है जिसको कहा जाता था जोधबाई महल, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जोधबाई और जोधाबाई फतेहपुर वाली, नहीं जोधबाई जहांगीर की हिंदू वाइफ थी, हिंदू वाइफ थी, सही। और जोधाबाई जो थी वो अकबर की हिंदू वाइफ थी, है ना, जहांगीर, है ना, सही सही। वो जोधाबाई का महल जो बना हुआ फतेहपुर सीकरी, और जोधबाई जो थी जहांगीर की हिंदू वाइफ थी, लेकिन दोनों जो है राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, बिलोंग करती थी। तो अंदर वाला पहले जो है राजस्थानी आर्ट में बना हुआ है, मुस्लिम आर्ट भी वही है, पारसी आर्ट नहीं है, कोई अरबी का अरबी आर्ट। सबसे पहले जयपुर भागता है और जयपुर खत्म करने के बाद फिर आगरा आता है। देखिए भाई ये जो टब जो देख रहे हैं आप, प्याला सा जो बना हुआ टब, इस टब को प्रेजेंट किया था राजा मान सिंह ने, जब जहांगीर फॉल्ट वाला, हाँ, जब जहांगीर पैदा हुए थे नहाने के पर्पज के लिए, क्योंकि राजा मान सिंह जो थे जहांगीर के मामा हुआ करते थे, जोधाबाई के भाई थे, भाई थे, हाँ।
लेकिन जब उन्होंने इसको टब को प्रेजेंट किया था, इसके चारों तरफ सोने का पत्रा चढ़ा हुआ था भाई, अंदर और बाहर। अच्छा। लेकिन उस पत्रे को निकाल के लेके गया सूरजमल जाट, जब भरतपुर का स्टैम्प पेस राजा था। अच्छा, ये वन पीस का है, यहाँ से लेके वहाँ तक का जो है एक ही पीस में बनाया हुआ है। दोस्त नहीं दे सकते। हाँ, खराब है, वही बात है। मैं हाँ किलो बना गया है। फीलिंग वेल जो हजन आप टोड़ी पा दीजिए, बाकी डिजाइन उठे आखी आप ढाकी दीजिए डिजाइन वे प्लास्टर मॉडल और अच्छा महल जो बना हुआ है राजस्थानी आर्ट में बना हुआ, राजस्थानी आर्ट में। हाँ, सब डिजाइन, कोई पर्शियन आर्ट नहीं है, अरबिक आर्ट नहीं है, मुस्लिम। ये उनका रहने का कमरा हुआ करता था, जहाँ पर रहा करती थी, लोगों से मिला करती थी। सोने बना का रूम नहीं था ना, खाली रहने का था, रहने का रूम था, सोने का बेडरूम वो था, सोने वाला उसको लॉक कर दिया। अच्छा, उस टाइम पर अंदर में पर्शियन कारपेट था, चंदन की लकड़ी का फर्नीचर था, लेकिन उसको बाद में हटवा दिया गया, उसको कवर कर दिया था वुलन कर्टन से विंटर सीजन, और समर सीजन इसको कॉटन कर्टन से कवर कर देते थे। इसके यहाँ पर चार गार्ड खड़े कर दिया थे, किसी भी इंसान को अंदर आने का परमिशन नहीं था। इसकी एक खास बात क्या है, इसके जो खम्भे बने हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी खम्भे बने हुए हैं, ये वन पीस में है, इसमें कहीं भी कोई जगह नहीं है। देखो इसका डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, आप लोग ये अंदाज़ा लेके चलिए। उस टाइम पे मशीन अवेलेबल नहीं थी, कैसे हाथ से बनाया होगा उन लोगों ने, हैंडमेड, हैंडमेड भी कैसा, मतलब हमें चीज़ें ऐसे एक्यूरेसी एक्यूरेसी देखो, थोड़ी सी मतलब आप अगर बनाते थे तो एक चीज़ भी खराब हो गया तो पूरा गया, पूरा गया। हाँ, आपके ख्यालों में भी मशीन से भी नहीं हो रहा है, मशीन से भी नहीं होगा भाई, नहीं हो रहा है। अच्छा, ये था उनका मंदिर, मंदिर ये कोई जोधा भाई ने, और जोधा भाई ने अकबर से जहांगीर से शादी होने से पहले बोला था, शर्त पे रखा था कि मेरे भगवान को लेकर आऊंगी मूर्ति को, मैं मंदिर मुझे चाहिए, मैं तुमसे शादी जब ही करूँगा जब मैं अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करूँगी, मैं अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करूँगी, तुमको शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो नहीं करो। तो जहांगीर का अकबर का ये कहना था ठीक है तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म, तो उनका मंदिर था। ये था उनका डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठने के बाद और लंच डिनर लंच लेते थे। हाँ, ये हॉल जो है, ये हॉल जो है हाँ, अपनी खास जातियों के साथ लंच डिनर देते थे, लुट फुलिया करती थी लुट। ऊपर का जो बैल्कनी आप लोग देख रहे हैं, उस टाइम भी कहता कुछ ज्योत भाई ऊपर जाके बैठ जाते और ग्राउंड के अंदर में दासियाँ वगैरह नाच करा करते थे, मतलब उनका एक एंटरटेनमेंट का यही साधन था, है ना। उसको कहा जाता था ये रंग महल है। अब हम लोग का जो है लाल कलर का बिल्डिंग, आपके सिटी में कलर स्टोन की कलर जो पत्थर जो है ब्लैक, ये ग्रीन निकलता है, ये अभी लाल निकलता है, ये ऑर्डिनरी स्टोन, ये लाल। अब हम लोग को लाल बिल्डिंग तो खत्म हो गया, अब हम लोगों का व्हाइट मार्बल का बिल्डिंग चालू हो जाएगा भाई। ये रूम कौन सा है, ये देख लो, ये ऊपर जाने का रास्ता है भैया, लेकिन बंद कर।
भाई साहब ये जेल है? नहीं ये खाने का मैंने आपको बताया ना डाइनिंग रूम। हाँ वही 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 जेल। एसी रूम? हाँ कसम एसी में भी जी लेते सारे। चारों तरफ से खुला हुआ ये इनका एसी रूम था। एसी रूम किससे ये था? आपके पास एसी है कूलर है उसमें क्या होता है जब गर्म हवा बाहर से टकराती है जब पीछे की तरह कूलिंग आपको मिलती है यहाँ भी वही सिस्टम है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ भैया। हाँ टैंक को भर दिया जाता था पानी से। हाँ ठीक है उसकी जितनी भी दीवारें जो है ना हॉलो है होल है होल है। हाँ पानी टैंक के जरिए से दीवारें में आ गया सब होल है खाली दीवारें पूरी खाली पूरी खाली की खाली पानी से भर ए सी वाला रूम। अब ऐसा है कि आप ठंडी हो जाती है। अच्छा उसमें क्या था गर्माई गर्मियों में जब गर्म हवा बाहर से टकरा दी थी उसमें पानी है उसकी गर्माई पीछे रह जाती थी कूलिंग आगे हो जाता है। और चारों तरफ से खुला भी है मतलब सर जो है आज हवा भी आ जाती है वेंटिलेशन दे रखे तो इतना ठंडा बाहर का टेम्परेचर 45, 46, 47 और यहाँ का 12, 14, 15 और तेरी इतना इतना फर्क है। हाँ क्या ठंडक होती होगी फिर तो। ओखला डोकला हो गया डोकला। हाँ रजा ये आ गया गजनी दरवाज़ा मोहम्मद गजनी। हाँ मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर से उखाड़ आया है ये दरवाजा। हाँ ये उसका ये था कि सोमनाथ के मंदिर से उखाड़ आया था उसको ये था कि अच्छा लगा चंदन का दरवाजा लेके जा रहा हूँ। हाँ लेकिन उसने यहाँ के देखा तो चंदन ही तो ऑर्डर ही है तो यहाँ छोड़ मान गया ऐसा। हाँ चलो चलो फिर उसकी भी कट गई मतलब दो लड़के थी और चार लड़के थे। जो छोटी लड़की का नाम रोशन आरा बेगम बेगम बड़ी लड़की का नाम जहाना आरा शादी नहीं हुई। अरे बिल्कुल सही है और मुराद मुराद ठीक है मुराद। सबसे पहले आपको ताजमहल का व्यू करा देता हूँ। हाँ मुराद करा दो यार हमको ही अच्छा लगता है यहाँ से देखते होंगे वो लोग भी है ना। नहीं वो जगह कुछ और है जहाँ शादियाँ देखा करते थे वो जगह कहीं और है, और है। अच्छा ये देखिए साहब ये है रिवर यमुना यमुना और ये जो सड़क जा रही है ना। हाँ रिवर यमुना पहले यहाँ तक थी फिर वो पानी सूख गया पानी सूख गया ना। अच्छा ये दो खाइयाँ दिखाई दे रही बाहर वाली ये उस टाइम पे बाहर वाले में छोड़े गए थे क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल मतलब कोई मुड़े अंदर का मगरमच्छ छोड़े थे और अंदर वाले में छोड़े गए थे जंगली हाथी और ये दो खाइयां जो है पूरे आगरा फोर्ट को चार तरफ से कवर करी हुई है जिससे कोई रिवर यमुना के भी रास्ते से अंदर ना अंदर ना जाए ऐसे ही है ना। अगर यहाँ से भी आ जाए तो यहाँ से ना पाए यहाँ से ना आ जाए तो यहाँ से ना कहाँ से आएगा वो है ना सही है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का खास महल शाहजहां मुमताज का प्राइवेट बेड प्राइवेट। हाँ अंकल जी ये बाग दिख रहा है वो आ जाओ लड़के यहाँ पे सब ओ हो हो क्या दिखता है नज़ारा क्या कारी गई है। खास महल खास महल मतलब प्राइवेट पहले जब भी शाहजहां मुमताज का प्राइवेट बेडरूम ये बेडरूम था। हाँ ये बेडरूम था। आप जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जाओगे ना तो आपको दरवाजे नहीं दिखाई देंगे। हाँ उसको कवर कर दिया था वुलन पैकेज के बिल्कुल और समर सीजन में उसको कॉटन कॉटन का होता था। इसके चार्टर साफ करके लिया था किसी भी इंसान को अंदर आने का परमिशन नहीं था नहीं था इस
इसकी छत के ऊपर में रियल गोल की पेंटिंग हुई थी। यहाँ ये यहाँ भी चारों तरफ गोल की पेंटिंग, चारों तरफ गोल था। गोल की पेंटिंग को हटा दिया गया थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पीला पीला सा दिखाई दे रहा है, येलो येलो सा ऊपर है। हाँ ये रहा, ये रहा रियल गोल है। ये चार ऊंचे दिखाई दे रहे हैं बीच में यहाँ पर बने हुए। उस टाइम पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूमर लटका हुआ, झूमर लटका हुआ था। झूमर को लाइट कर देते थे कैंडल से, धूप से इसके ऊपर हैंग कर दिया था। जब वो झूमर लाइट होता था आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसी लाइट चलका होती होगी। क्या लाइट गोल के चमकते होते हैं वो, जब अंग्रेज गोल चमके पाछू जो झूमर टीम झूमर मोटी हुई सारा गोल पेंटिंग तो हटा दिया गया, लेकिन वहाँ पे बचा है, वहाँ पे बचा है। देखिए ये लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर में लोगों को दिखाने के लिए ये बना के तैयार किया, थोड़ा सा बना के उन्हें छोड़ दिया। हाँ। लेकिन ओली ने नहीं भाई ये डुप्लीकेट, आपको वो जगह दिखाता, वो आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर शाहजहाँ को नजर बंद कर दिया गया तो औरंगजेब की, ठीक है वो जगह औरंगजेब ने कर दिया है औरंगजेब अपने बाप को, बहुत खर्च कर रहा था, बहुत उड़ा रहा था सब। हाँ पैसे बिगाड़ रहा था साला। प्रसन्न आ रहा जहाँ आ रहा, अभी ये जहाँ आ रहा आज जहाँ की नारा में जाने जहाँ पे जा रहा। ये सब क्या ऊपर की कवर गोल्डिंग वो गोल्ड वाली है ये भैया, पहले गोल्ड की प्लेटिंग थी इसकी। हाँ ये पूरी गोल्ड की प्लेटिंग थी यहाँ पर, आज गोल्ड का हटा के ब्रास का लगा दिया वो भी। हाँ चूतिया बना रहे सारे। अच्छा ये जो था ये जहानारा बेगम शाहजहाँ मुमताज महल की बड़ी लड़की का, और ये वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को नजरबंद कर दिया गया था। कहाँ पे वो वहाँ पर, वहाँ पर वहाँ पे देखते वो जहानारा बेगम ही थी, वो जहानारा बेगम ही थी जो उस टाइम पे अपने बाप का ध्यान लास्ट में रखा करती थी। जहानारा बेगम ने अपने फादर की बहुत खिदमत की बेहद खिदमत की। अच्छा शाहजहाँ भी जहानारा बेगम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, शाहजहाँ बेगम से उतनी मोहब्बत नहीं। हाँ बड़ी बड़ी लड़की, ठीक है। मतलब शाहजहाँ ने वहाँ पर रखा गया था 7 साल 4 महीने 8 साल 4 साल। ये यहाँ पे जो आगे डल्टू बना देते, डल्टू पानी जाए इतना हो जाए, क्यों डल्टू बना दे बच्चे। भैया ड्रेनेज है, हाँ ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज है, इसका पानी पूरा रिवर यमुना की तरफ जाता है, मतलब एक बूंद पानी रुक रुक नहीं सकता था यहाँ पे। यहाँ ले लिया, हाँ बड़ी बेटी का रूम था, चलो चलो टिपा है, ओ भाई टिपन आई गया हैदराबाद, हनु जाऊँ क्या बोलो ये छोटा सा जो रूम है। हाँ इसको कहा जाता था मुसम्मन ब्रुज, मुसम्मन ब्रुज वही भैया, इसको कहा जाता था मुसम्मन ब्रुज। हाँ मुसम्मन ब्रुज वही जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया गया तो औरंगजेब के दिन 1658 के अंदर में, और शाहजहाँ को जो डेथ हुआ इसी रूम के अंदर में हुआ 16। कैद मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकता वो। जो चाहे खा सकते है ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पावर जितनी भी होते हैं ना वो सारे छीन लिए जाते हैं, आम आदमी बना के छोड़ दिया। अब आम आदमी की कोई वैल्यू तो रहती नहीं, रहती नहीं। हाँ जी जी इनको यहाँ पर चेक कर, और यही पर इनका इंतजार इनका यहाँ कोई डेथ नहीं करी। इन लाही वो इन लही रोजी वो ना वो क्या है वो अंदर में 12 साल दिख रहा है आपको। हाँ इसका वही बहुत बड़ा टैंक बना हुआ ऊपर की तरफ। हाँ ये टैंक को भर दिया जाता था ग्लास जल से,
और वो जो जगह जो है ना हवा आती थी वहाँ से पानी आता था, पानी हमारा स्टार्ट हो जाता था यहाँ। हाँ ये पानी का स्थान है, मतलब पानी का स्थान है, यहाँ से पानी निकलता था। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्या करेंगे, हर घूमने की जगह में कोई एक जगह ऐसी है जहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। खालसा नीति, चलो भाई चलो जल्दी। ये क्या कर दिया, उनको जाने दो, आपको टाइम लगता है ना। कितने कितने रूम बनाए हैं इन लोगों ने, नीचे जाने का रास्ता है, ये खुद का रास्ता है। कहाँ निकलते हैं? ये रिवर यमुना की तरफ निकलता है। हाँ भागने के लिए एंड टाइम, हाँ हर किले के अंदर गुप्त रास्ता होता है। हाँ तो रहता है, गुप्त रास्ता है ये, गुप्त रास्ता है जो यमुना। मीना मस्जिद ऊपर नहीं जाना, लेके आवर जो नव ऊपर नव कोटिंग से लागे है वो बाग बाग जो भाजे हो गए। देखिए भैया इस जगह को, ये सब खंभे, इस जगह को उस टाइम पे कहा जाता था दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास। ये आए थे, ये अच्छा तो सीजन में मीटिंग अंदर हो रही है, लेकिन विंटर सीजन में समर सीजन में मीटिंग होती थी बाहर, टेंट के जरिए से इसको कवर कर दिया था, जो रूम की दिखाई दे रहा है टेंट के जरिए से इसको कवर कर दिया, ठीक है। और ये जो दरवाजे जो बने हैं वो सारे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसके जो रिकॉर्ड जो होता था वो इन दरवाजों के पीछे रखा जाता था। हाँ सब क्या क्या हो रहा है पूरे उस टाइम भी क्या था उनका हिसाब किताब, मेन जो था वो लगान से चलता था, लगान से चलता था, है ना, कि किस गांव से कितना लगान आया, कितना टैक्स आया, तो उसका सारा लेखा जोखा इन दरवाजों के पीछे रखा था। अभी कुछ था कि फिर निकाल दिया? नहीं हटा दिए, वो डॉक्यूमेंट सब हटा दिए, क्योंकि वो रख दिए दिल्ली में ले जाते, यहाँ बड़े बड़े खराब हो जाते। अब आपको मीना बाजार दिखाता है, इस तरफ नहीं, अभी यहाँ से निकलना नहीं है उस तरफ, यहाँ से जाएंगे तो फिर हमको वहाँ जाना। ओके ओके, कहा जाता था मीना बाजार, मीना बाजार। और बाजार की स्पेशलिटी ये थी कि जो बेचने वाले और खरीदने वाले थे लेडीज हुआ करते थे, तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लेडीज अपना सामान यहाँ पर बेचना, और यहाँ की जो रॉयल लेडीज होती थी वो सामान परचेस करते, क्योंकि उस टाइम भी कहता है रॉयल लेडीज को बाहर जा कर के शॉपिंग करना अलाउड नहीं था, क्योंकि 480 साल पहले बाहर कुछ था भी नहीं, जहाँ पे जंगली अंदर, तो लेडीज शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो लेडीज़ का स्पेशल मार्केट नहीं था। लेकिन जब वो बाजार लगता था तो किसी भी जेंट्स को अंदर आने का परमिशन नहीं था, और बाजार भी डेली नहीं लगता था, कोई कोई नहीं, एक बार वो भी रमजान के महीने के जो नौ दिन होते उसी भी उसी में लगता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था नवरोज, 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 नवरोज एक स्पेशल मार्केट हुआ करता था लेडीज का, क्योंकि नवरोज के टाइम लेडीज दुनिया भर की शॉपिंग करती थी। उसके बाद आपका जो लास्ट स्पॉट है वो है दीवाने आम, दीवाना भी मैंने दीवाने खास दिखाया, दीवाने ये सब क्या है जो अभी लगा दिया जो उस टाइम पे भैया यहाँ पर उनके टकसाल हुआ करते थे, टकसाल जानते हैं, टकसाल सोने और चांदी की जो मोहरे बने हैं, मोहरे है ना, इसके नीचे बने, हाँ इसमें अंदर क्योंकि पहले मोहरे कहते मोहरे चलाते हैं पहले, Thank you.
हाँ वही ग्रुप से पहले कितना खूना बना रहा था कांडे काम करो और ये हम अभी आ गए हैं इससे बड़े बड़े जवखाने में, यहाँ पे सब सोने का बना हुआ है आइनवी से, ये दीवाने आम है का दीवाने आम मतलब आम जनता के लिए डब्बा। हाँ और यहाँ पर राजा महाराजा नवाब अंबेडकर नाइनजन हनुमतन उन लोगों के बैठने का स्थान नहीं होता, लेकिन लोकल पब्लिक को यहाँ बैठने नहीं दिया जाता, लोकल पब्लिक सामने यहाँ पे। हाँ और इस दीवार की चाबी आ गई वहाँ पर जाना लाल नहीं, मैं आपको बताया था मोती मस्जिद ये है ये दीवार के पीछे आज भी आदमी, मैंने आपको बताया था वो बंद पड़ी पछे वाले बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा, अरे गेट लगा दिया बंद कर रखा है, गेट लगा दिया सुनने वाला नहीं तो बंद कर दिया उसको, उठा दे ऊपर की जगह जो है वो राजा के बैठने को ऊपर आई, आप लोगों ने सुना होगा जमानी हिंदुस्तान में, अच्छा उसका आने का रास्ता वापस वहाँ पीछे पीछे वो पीछे से पिकॉक थ्रोन हुआ करता था एक ज़माने में हिंदुस्तान में मयूर सिन्हा से, हाँ जो कम्प्लीटली गोल्ड का बना हुआ था जिसके ऊपर में डायमंड रूबी स्टेनलेस सफायर लगे और सबसे बढ़िया डायमंड जिसको कहा जाता है कोहिनूर भी वहाँ पर लगा हुआ, कोहिनूर ले गए ब्रिटिश, वो तो ले गए ब्रिटिश और मयूर सिन्हासन नहीं से ले गए और मयूर सिन्हासन ले गए नादिर शाह पर्शिया ईरान। हाँ मार्बल का जो दाइज बना हुआ है ये वन पीस में है, यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा वन पीस है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। ये यहाँ खड़े होने के बाद बात करो ये वो बैठाने का है, वो बैठने का यहाँ खड़े होने के बाद एप्लीकेशन पेश किया करते थे पिटिशनर, ये दो यहाँ से ले गया वहाँ से वो। हाँ दो खिड़कियाँ जो दिखाई दे रही हैं उस टाइम पर रॉयल लेडीज़ को जेंट्स के अंदर आने का परमिशन नहीं था, खिड़कियों के पीछे बैठने के बाद यहाँ के सारे फंक्शन दिखा करती थी, वहाँ छोटा सा जो मज़ार सामने दिखाई दे रहा, ये मज़ार जो है जॉन रसल कॉल्विन जो था ब्रिटिश का गवर्नर हुआ करता था, उसकी डेथ हो गई 1857 के अंदर 1857 में ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, लेकिन उसका ख्वाहिश क्या था कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को इंग्लैंड या लंदन लेके मत जाना, मेरी बॉडी को दीवाने आम के सामने ही दफना दिया, तो उसके कहे मुताबिक उसको यहाँ पर दफना दिया जॉन रसल कॉल्विन। ये गेट बाहर जाने का है, ये गेट क्रॉस करोगे तो आप लोग बिल्कुल वही स्लोप आ जाएगा, स्लोप चल के हम लोग वही स्लोप। ये क्या बना रखा है वो जो नीचे है वो? ये भैया इन लोगों ने वो जो सीढ़ियाँ सीढ़ी दिख रही हैं, हाँ इन लोगों ने लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम शुरू किया था यहाँ पर, गवर्नमेंट ने 6:30 से 7:30 तक हिंदी का और 7:30 से 8:30 तक इंग्लिश का, तो ये उसके लाइट का इंतजाम किया था यहाँ ये सारी ठीक है। और यहाँ आपका आगरा फोर्ट ख़त्म होता है भाई यहाँ पर, कि यहाँ आ जाओ मीटिंग करने वाले, सबसे पहले शिवाजी महाराज को कह रहे उन्हें पीछे बैठा दिया, छत्रपति शिवाजी पीछे बैठा दिया, लेकिन शिवाजी महाराज को ये बुरा लगा क्योंकि राजा थे उनको वही इज्जत देनी थी, और यहाँ जब आया जब नंबर आया उनका तो औरंगजेब ने ये कहा कि भाई मीटिंग का तो बहाना था, हमें तो आपको कैद करना था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं पर ही कैद किया गया, नहीं कैद कर दिया, लेकिन इसी आगरा फोर्ट से निकलने के बाद शिवाजी महाराज भाग गया था। वो कैसा भाग गया था यहाँ से? उस टाइम पर फलों की टोकरी थी अंग्रेजी भाई बड़ी बड़ी जिसमें फैल फलों की टोकरियाँ चलती थी,
मतलब कि टोकरी में से बैठते हैं इसी आग्रह और आप लोग को यहाँ पर रुकना है या चल रहे हैं चल रहा अभी निकल जाएंगे हाँ है ना हाँ और भी कुछ होगा ना वो किसी का गला काट दिया था ऐसा भी था यहाँ पे कोई किसी का गला कटा रहा है वो जगह भी दिखाने की वो जगह नहीं वो दूसरे भाई से वो बोल रहे थे।